आप देख रहे हैं कल का बाजार और बात करेंगे निवेश की। मयूरेश बताइए, एक स्टॉक जहां पर मौजूदा माहौल में खरीदारी की जा सकती है। मैं लार्ज कैप स्टॉक चूज कर रहा हूँ क्योंकि माहौल ही ऐसे है, तो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत चुनिंदा निवेश हो सकता है। डिक्लाइंस पे एक सिस्टमैटिक मैनर में लोन ग्रोथ 14% इसके आसपास थी, कहीं ना कहीं रिटेल एडवांसेज और ऑलमोस्ट 60-62% कैपिटल एडिक्वेसी काफी तगड़ी है 14% के ऊपर। एसेट क्वालिटी में जो दबाव देखा था, आई थिंक वहां पे आई थिंक कोई इशूज नहीं आ रहे हैं। ग्रॉस स्लिपेजेस हैव कम डाउन सिग्निफिकेंटली, जो बीबीएन बिलो बुक है दैट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली, स्टेबल है नेम्स, एक्सपेक्टेशन है एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, जिसका मतलब क्रेडिट कॉस्ट शुड ऑल्सो रिमेन स्टेबल। तो हमारे अनुमान से आई थिंक जो एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 1.6 times FY21 पे ट्रेड करता है काफी अट्रैक्टिव है, और ये बैंक अपना जो एग्जिट आरओए और आरओई का रन रेट है ऑफ 1.3 एंड 12.5-13% ये शायद मेंटेन कर पाए विथ इट्स एक्सलेंट परफॉर्मेंस दैट कैन बी शोन इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फॉर द टारगेट एंड ड्यूरेशन मेंशन ऑन द स्क्रीन। तो डेढ़ साल के नजरिए से खरीदे आईसीआईसीआई बैंक 490 के टारगेट्स के लिए सजेशन है। चलिए फिलहाल इतनी क्वेरीज करेंगे शामिल। मयूरेश, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से?